ये इतनी माताएं बहने शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। देखिए मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है, और इधर देखिए इतनी माताएं बहने शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं, और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया?
चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है, क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है। और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।